Okay, after the pharynx, the third part we are starting, that is larynx. बेटा लैरिंग्स इस डायग्राम में लैरिंग्स कहां पर है? दिस एंटायर पार्ट ना, दिस एंटायर पार्ट, ये पार्ट है लैरिंग्स। ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। लैरिंग्स समटाइम में ऑल्सो बी कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, समटाइम इट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज साउंड बॉक्स बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, अब ये लैरिंग्स जो है ना, इन एडल्ट मेल लैरिंग्स is comparatively more prominent, it is more visible, क्योंकि मेल और फीमेल की जो साउंड की पिच है उसमें डिफरेंस होता है। ओके, अभी लैरिंग्स जो है इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जिसमें कार्टिलेज से बना हुआ छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है जो हमारे नेक के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर दोनों तरफ लैटरल साइड में लगे होते हैं थायरॉइड ग्लैंड। ओके, अब ये लैरिंग्स है बेटा, लैरिंग्स की जो ऊपर की साइड पे ना, लैरिंग्स के ऊपर की साइड पे यहां पर जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग होती है ना, दिस ओपनिंग जो लैरिंगोफैरिंग्स के पास है, लैरिंगोफैरिंग्स का सबसे नीचे वाला पार्ट इज लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है लैरिंग्स। इसका जो जंक्शन है, इसके जंक्शन पे जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ये ओपनिंग जो इसमें है, ये है ग्लॉटिस, ये वाली ओपनिंग ग्लॉटिस है। बेटा अभी ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा हुआ है, इसके ऊपर ना ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा होता है, एक्चुअल में आगे की साइड में यहां पर प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ये फ्लैप जो होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस अगेन इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच फिट्स ओवर द ग्लॉटिस and continuous opening and closing of larynx is responsible for preventing the entry of food particle into the respiratory tract. यानि इस epiglottis और glottis के opening और closing mechanism की वजह से ही हमारे respiratory tract में खाना enter नहीं होता है, क्योंकि ये जो passage है ना, ये passage तो common है। यहां से देखो, अभी यहां से आप उन खाना खाएंगे, ये food particle है, ये फूड पार्टिकल यहां से होता हुआ पीछे वाले पाइप में जाएगा, फूड पाइप पीछे है, और जो हवा होगी वो यहां से पास होते हुए आगे वाले पाइप में आएगी। अब दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी यूजुअली ऐसा नहीं होता कि हमने जो खाना खाया वो लंग्स में चला गया और जो हमने इंस्पायर किया हवा पेट में चली गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो मिक्सिंग इज प्रिवेंटेड, द मिक्सिंग ऑफ फूड एंड एयर इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लैरिंग्स जिसमें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। अभी आपको समझाएं एग्जाम्पल, अभी एक डायग्राम की मदद से एग्जाम्पल, दिस इज द ये रफ डायग्राम, ये हमारा दिस पार्ट, दिस द फैरिंग्स रीजन, नॉट फैरिंग, ग्लॉटिस वाला पार्ट, ये हमारा ग्लॉटिस है, ये पूरा लैरिंग्स है, इसमें ये ओपनिंग ग्लॉटिस है, इसमें पीछे यहां पर निकला हुआ ये फ्लैप के जैसा स्ट्रक्चर जो मूवेबल है, ये इसके ऊपर आकर ऐसा क्लोज हो जाएगा, डस्टबिन होती है ढक्कन वाली, वैसा पार्ट यहां पर है, ये नीचे की तरफ ये ओपनिंग है और ये फ्लैप लगा है, ये फ्लैप इसके ऊपर आके यूं क्लोज हो जाएगा। तो ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप को हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है, ओपनिंग इज ग्लॉटिस, और ये फ्लैप ये एपिग्लॉटिस है, राइट? तो एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस, अभी ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, इसके आगे की साइड में यहां पर प्रेजेंट होता है थायरॉइड ग्लैंड व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। अब उसमें इसमें एक और चीज आपको समझना है बच्चों, इसमें अंदर की साइड में ना, अंदर की साइड में यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, ये है हमारा वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये पूरी ओपनिंग ग्लॉटिस थी, लेकिन ये जो ब्लू वाला नाम है, ये वोकल कॉर्ड है, न
Now this vocal cord is responsible for sound production. जब हवा अंदर बाहर होती है, जब हम हवा inspire करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये हवा जब बाहर निकलती है तो वोकल कॉर्ड की मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर हमारे वोकल कॉर्ड को रिमूव कर दिया जाए, इफ यू रिमूव द वोकल कॉर्ड फ्रॉम द लैरिंग्स, तो हवा तो बाहर आएगी बट साउंड प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड प्रोडक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू टॉक एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस और हाउ व्हाट इज अवर लैंग्वेज. दिस होल थिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड प्रोडक्शन. आवाज के प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है जो लैरिंग्स में प्रेजेंट है. रिमेंबर परफेक्ट स्पीच के लिए सिर्फ साउंड प्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी. अपार्ट फ्रॉम साउंड प्रोडक्शन हम हमारे लिप्स का मूवमेंट है, हमारे टंग का मूवमेंट है, हमारे बक्कल कैविटी के अलग अलग पार्ट का मूवमेंट है. वी यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, वी यूज द मूवमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ टंग इन अ डिफरेंट वे टू मोल्ड द वर्ड्स टू मेक द परफेक्ट स्पीच. जो हम बोलते हैं उसमें कितनी क्लियरिटी है, कितना क्लियर है, कितने अलग अलग तरह से हम वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें हमारे बहुत से दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. बट एज फार एज साउंड प्रोडक्शन, आवाज का जो निकलना है उसके लिए वोकल कॉर्ड लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट इज ट्रकियर. ट्रकिया में ऑल्सो बी कॉल्ड एज विंड पाइप. नाउ इन दिस डायग्राम ये जो पूरा पाइप है ना, यहां से लेके यहां तक ये वाला पाइप, दिस पाइप इज कॉल्ड एज ट्रकिया. ये ट्रकिया है बेटा, ट्रकिया विंड पाइप शॉर्ट में आपको समझा दें. ये कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे लैरिंग्स एंड होती है ना उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रकिया. इट इज बेसिकली अ मस्क्यूलर पाइप, लेकिन अंदर से हवा पास होनी है, इसमें से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होना है. कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्क्यूलर पाइप का जो इंटरनल ल्यूमेन है, यानी पाइप के अंदर जो स्पेस है ना, एग्जाम्पल ये मस्क्यूलर पाइप है राइट, ये मस्क्यूलर पाइप है ना, ये मस्क्यूलर पाइप है. अभी पाइप के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस कहीं ये पाइप की वॉल कोलैप्स ना हो जाए ना, दब नहीं जाए, इसके लिए इस पाइप की वॉल में न्यूमरस कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट. सी शेप कार्टिलेज रिंग, इट इज नॉट अ कंप्लीट ओ शेप, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट. यानी इसके रेगुलर इंटरवल पे ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स लगे हुए हैं. ये कार्टिलेज के रिंग्स कितने होते हैं, ये कार्टिलेज रिंग्स हैं. There are 16 to 20 in number, 16 से लेके 20 तक रिंग्स हो सकते हैं. अच्छा, ये स्टार्ट होता है लैरिंग्स के नीचे और कहां तक रन करता है. देखो लैरिंग्स के नीचे से ना हमारे नेक के फ्रंट साइड में, लैरिंग्स के नीचे अगर हम टच करेंगे तो वी आर एबल टू फाइंड आउट. यहाँ पे एक ऐसा पाइप है जिसका अपियरेंस लगभग वॉशिंग मशीन का जो आउटलेट वाला पाइप होता है जिसपे न्यूमरस रिंग्स बने होते हैं, उस तरह का पाइप यहां से पास हो रहा है. ये पाइप यहां से पास होते हुए बेटा यहां पर आगे जो बोन है ना, ये वाली चेस्ट बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं, ये स्टर्नम के मिड तक, स्टर्नम है यहां तक ना, स्टर्नम है यहां तक. अब ये स्टर्नम के मिड तक रन करता है, उसके बाद ये पाइप स्प्लिट हो जाता है दो पाइप में, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में. तो ये जो स्ट्रेट पाइप है, अनडिवाइडेड पाइप है, इसको हम ट्रकिया कहते हैं. और नीचे जब स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में, तो ईच पाइप इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रोंकाई. ये ट्रकिया, इसकी लेंथ होती है 10 टू 12 सेंटीमीटर. इसमें 16 टू 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं. वन मोर थिंग अबाउट द ट्रकिया ना, इट इज इंटरनली, इंटरनली या बाहर समझ भी नहीं आ रहा, यहां से अगर आप झांकेंगे ना,
इंटरनली इफ यू ऑब्जर्व द प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो पाइप था ना, ये प्रक्रिया हमारा पाइप था राइट, ये प्रक्रिया हमारा पाइप है। अगर प्रक्रिया में इंटरनली ना, मतलब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करेंगे, तो प्रक्रिया के अंदर की तरफ सीलिएटेड, अंदर की तरफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, अंदर की तरफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल इज प्रेजेंट, यानी अंदर की साइड में ऐसा टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं और अंदर की तरफ बहुत सारे म्यूकस सेल हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड म्यूकस इन द इनर पार्ट ऑफ द ट्रकिया? रिमेंबर, अभी ट्रकिया ये जो पाइप है ना, इस पाइप के अंदर की तरफ बहुत सारे सीलिया हैं। दिस सीलिया दे कंटिन्यूअसली रिदमिकली ये मूव करते हैं ना, ये रिदमिकली मूव करते हैं, बाहर की तरफ टर्न होते हैं। तो अगर कोई अनवांटेड मटेरियल, कोई फूड पार्टिकल या कोई अनवांटेड मटेरियल ट्रकिया से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द सीलिया ये उसको ऊपर की तरफ निकालेंगे, और जो म्यूकस होता है वो उसे ट्रैप कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट एंड म्यूकस। कोई फूड पार्टिकल या कोई डस्ट पार्टिकल आसानी से लंग्स तक नहीं पहुंच सकता। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियम, प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड। उसके बाद ब्रोंकस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ब्रोंकस ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड ब्रोंकाई है, इसे हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं। रिमेंबर, देखो बेटा ये ब्रोंकस है, ये क्या था, ट्रकिया ना, अभी तक जो पार्ट हमने पढ़ा, ये नोज है, ये नॉस्ट्रिल है, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी है, फैरिंग्स है, उसके अलग अलग पार्ट है, उसके बाद लैरिंग्स है, उसके भी अलग अलग पार्ट मैंने बताया, ट्रकिया के बारे में बताया। ट्रकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकस ना। तो अब नेक्स्ट साइड इज ब्रोंकाई, ब्रोंकस। हमारे नेक्स्ट साइड इज ब्रोंकस और ब्रोंकाई भी आप कह सकते हैं। तो ये ब्रोंकाई जो है ये नेक्स्ट पार्ट है। नाउ दिस ब्रोंकस, इसमें भी सी शेप, ये छोटा सा ट्यूब है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। हमारे स्टर्नम चेस्ट बोन जो है, चेस्ट बोन के मिडिल से ये डिवाइड होके दो ट्यूब बनते हैं, एंड ईच ट्यूब एंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग, ईच ट्यूब एंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग। नाउ आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्स, ये जो ब्रोंकस है जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं, इट डिवाइड टू फॉर्म, अब जो डिवाइड होके पार्ट बनेगा, जैसे ये प्राइमरी ब्रोंकस है ना, अब ये इसका डिवीजन, प्राइमरी ब्रोंकस इन दिस डायग्राम यू कैन सी तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो डिवाइडेड पार्ट है इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो फर्दर डिवीजन है, इट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म, अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होके ये एक ट्यूब, ये सेकेंड ट्यूब, ये थर्ड ट्यूब राइट, अब ये इसका जो फर्दर डिवीजन है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड टू फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड टर्शियरी ब्रोंकाई दे फर्दर डिवाइड, ये देखिए सबसे बारीक वाला जो ट्यूब है, ये वाला जो ट्यूब है, इट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ये फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनता है बेटा। ब्रोंकियोल सबसे फाइन ट्यूब है। अभी इसमें से एक ब्रोंकियोल को अगर हम निकालें, इफ वी टेक आउट अ सिंगल ब्रोंकियोल, ये एक ब्रोंकियोल को मैं यहां से निकाल के यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं राइट, ये एक ब्रोंकियोल है, एक ब्रोंकियोल के ऊपर ना न्यूमरस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो ब्रोंकस में आपने बहुत सी चीजें पढ़ी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज विंग्स होती हैं, दिस ऑल थिंग यू हैव टू स्टडी। अभी ये जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल के ऊपर लगा हुआ न्यूमरस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अल्वियोलाई।
अल्वियोलार सेट, एक अल्वियोलार सेट में 10 से 12 अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. ओके, इफ यू टेक आउट अ सिंगल अल्वियोलाई, अगर एक अल्वियोलाई को आप निकालोगे तो वो कैसा दिखाई देगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाता हूं. तो द नेक्स्ट साइट इज गिवन इन योर बुक इज लंग्स. देखो बेटा, लंग्स हमारे पास, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स दैट इज सिचुएटेड इन ईच थोरैसिक कैविटी, सिचुएटेड इन थोरैसिक रीजन. हमारी थोरैसिक कैविटी एज यू नो यहाँ आगे की तरफ स्टर्नम है. ऑन बोथ द लैटरल साइड वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, पीछे की तरफ हैविंग थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा. और नीचे की साइड में ना, ये रिब्स के लास्ट रिब के नीचे की साइड में अंदर की तरफ हैविंग अ डोम शेप पार्टीशन called as diaphragm, dome shape partition. यानी ये lungs के नीचे, देखो ये side में तो ये हमारा thoracic cavity हो जाएगी ना, यहाँ पे आगे की side में ribs होंगी, ये सब ribs हैं, ये ribs आगे sternum को connected होंगी. और नीचे की side में यहाँ पर ना ऐसा dome shape partition होगा. This dome shape partition, muscular partition, it is called as diaphragm. ये diaphragm है. ये डायफ्राम है, डोम शेप पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लंग्स. देखो लंग्स ये हाईली स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और हमारे थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है. पैर में हो, पैर मतलब प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, जोड़ी में प्रेजेंट होता है, एक यहां पर प्रेजेंट है. ओके, अब ये जो लंग्स है ना, पिंकिश कलर का ऑर्गन है ये जो लंग्स है, लंग्स में हमारा जो दो पार्ट है उसमें से राइट लंग एग्जाम्पल, ये राइट लंग है. राइट लंग कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है. राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं. ऐसा क्यों है? द रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट जो होता है टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में यहां पर हार्ट होता है, तो हार्ट की वजह से यहां पर स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, जिस वजह से लेफ्ट लंग कंपैरेटिवली छोटा है और उसमें 2 ही लोब है. राइट लंग कंपैरेटिवली बड़ा है और उसमें 3 लोब्स होते हैं. नाउ फ्यू मोर थिंग अबाउट द लंग्स, लंग्स के बारे में और भी आपको मालूम होना चाहिए. देखो बेटा, लंग्स के ऊपर ना एग्जाम्पल, ये हमारा लंग्स है. अभी लंग्स के ऊपर 2 कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर 2 कवरिंग होती है. बोथ दिस कवरिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन. बोथ दिस कवरिंग इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन. इसमें बाहर वाली जो कवरिंग है इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर. बाहर वाली कवरिंग इज कॉल्ड एज पेराइटल और आउटर लेयर इज पेराइटल. इनर लेयर जो होती है इसे कहते हैं विसल. और दोनों को मिलाकर, बाहर वाली पेराइटल अंदर वाली विसल, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, अभी ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ना यहां पर स्पेस होती है. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी. And this pleural cavity is filled with a fluid called as pleural fluid. Okay, ये pleural cavity, pleural fluid, ये सारी चीजें. देखो बाहर की लेयर पेराइटल लेयर, अंदर की लेयर विसरल लेयर, दोनों लेयर के बीच में कैविटी इज pleural cavity और उसमें जो भरा हुआ fluid है that is a pleural fluid. This outer covering that is pleural membrane, no doubt. They are responsible for giving protection to the lungs. They are responsible for giving protection to the lungs. Now, apart from giving protection, ये जो pleural cavity है, जिसके अंदर fluid भरा है, this fluid and the pleural cavity, they are responsible for acting like a buffer. They are acting like a shock absorber. You can say shockups का काम करते हैं, shock absorb करते हैं, mechanical injury को prevent करते हैं, even वो lungs को डेसिकेट होने से बचाते हैं, लंग्स को ड्राई होने से बचाते हैं. दिस ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लूरल फ्लोइड.
ओके उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ये अल्वियोलाई के बारे में हमको समझना है. सेवेंथ पार्ट इज अल्वियोलाई. देखो ये पूरा अल्वियोलार सैक है ना, ये पूरा अल्वियोलार सैक है. इफ यू टेक आउट अ सिंगल अल्वियोलाई फ्रॉम हियर, इसमें से एक अल्वियोलाई मैंने निकाला, दिस इज अ सिंगल अल्वियोला. इट इज मोर और लेस सैक लाइक स्ट्रक्चर. इट इज मोर और लेस सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये एक अल्वियोलाई को मैंने यू निकाल कर यू टर्न करके ऊपर बना लिया, ऐसा बनाया है. अल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल. अभी एपिथेलियल सेल की पिक्यूलैरिटी ये होती है कि एपिथेलियल सेल इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एग्जाम्पल, ये एपिथेलियल सेल की एक लेयर, मैं इसके नीचे वाली जो ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. नाउ ऑन द आउटर साइड ऑफ द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? अल्वियोलाई के बाहर की तरफ न्यूमरस फाइन ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. अब पूरी ब्लड वेसल बनाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. ये कौन सी ब्लड वेसल है? ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की ब्रांचेस हैं. पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की ब्रांचेस हैं. इन शॉर्ट यू कैन से दे आर पल्मोनरी कैपिलरीज. ये कैपिलरीज ना ऐसा, इसके ऊपर नेटवर्क है, इसके ऊपर इसका नेटवर्क है, ये कैपिलरीज है. न्यूमरस फाइन कैपिलरीज आर प्रेजेंट. ये क्या ऐसा पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है. द कंप्लीट आउटर नेटवर्क इज प्रेजेंट अराउंड द अल्वियोलाई. अभी ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी इज ऑल्सो मेडअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल. इट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल. इसके ऊपर एपिथेलियम की एक लेयर है. तो ये वाला एपिथेलियम यानी ब्लड वेसल्स का एपिथेलियम और अल्वियोलाई का एपिथेलियम दोनों के बीच में एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन है. रिमेम्बर दे हैव अ कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन. यानी जब गैस को पास होना है, ऑक्सीजन को पास होना है, ऑक्सीजन को यहां से डिफ्यूज होके यहां पे जाना है. सो दिस ऑक्सीजन हैज टू क्रॉस थ्री मेम्ब्रेन्स. सबसे अंदर अल्वियोलाई की एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कॉमन है, उसके बाद कैपिलरीज की एपिथेलियल टिश्यू. तो तीनों एपिथेलियल टिश्यू को पास करते हुए ऑक्सीजन को यहां तक पहुंचना है. सिमिलरली CO2 को उल्टा आना है, उसको कैपिलरीज से अल्वियोलाई में एंटर होना है. नाउ रिमेंबर दिस अल्वियोलाई दे आर हाईली 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 इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. दे आर हाईली एक्सटेंसिबल. इसी वजह से अल्वियोलाई की इलास्टिसिटी के वजह से ही when we inspire, when we take the air into the lungs, we can easily observe the change in the thoracic lumen, the change in the thoracic capacity. जब हम inspire करते हमारा chest थोड़ा expand हो जाता है, और जब हम exhale करते हैं तो वो contract हो जाता है. ये possible है because हमारे alveoli flexible है. They are made up of single layer of squamous epithelium. एक और डेटा चौंका देने वाला डेटा बेटा, हमारे लंग्स में अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन हमारे लंग्स में अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन अल्वियोलाई इज प्रेजेंट. मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं, पूरे क्लास की नहीं. एक इंसान के लंग्स में 700 मिलियन अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है. ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. अभी इसका सरफेस एरिया इतनी ज्यादा अल्वियोलाई प्रेजेंट होने की वजह से इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ट्रेमेंडसली. हमारी स्किन का जो सरफेस एरिया है, उससे अप्रोक्सीमेटली 50 गुना ज्यादा, 50 टाइम्स ज्यादा हमारे लंग्स के अल्वियोलाई का सरफेस एरिया है. ये इतने ज्यादा अल्वियोलाई है
कि अल्वियोलाई को अगर ओपन किया जाए तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जितना आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एफिशियंट रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, उतनी ही आसानी से गैस एक्सचेंज होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डायफ्राम। मित्र डायफ्राम में ये जो डायग्राम में बना हुआ है डायफ्राम, ये डायफ्राम मस्कुलर डायफ्राम है, मसल से बना हुआ है, ये इनवॉलेंटरीली मूव करता है, रिफ्लेक्स एक्शन से या इनवॉलेंटरी मूवमेंट इसका होता है, हम जानबूझ के अपने डायफ्राम को नहीं हिलाते हैं, वो बार बार मूव करता रहता है, हम सोने में भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो डायफ्राम का डोम शेप होना और इसका फ्लैट होना, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होता है। सो दिस इज इन जनरल इसका जो एक पॉइंट था ये है डायफ्राम। So this is the complete human respiratory system. This chapter, this part is important. ये diagram भी आपको textbook के हिसाब से अच्छे से practice करना है, और ये पूरे 8 point जो मैंने आपको बताया ये भी आपके लिए important है। एक बार सिर्फ याद दिला दें, human respiratory system में ये diagram, respiratory system के part, nose and nasal cavity, ये nose, इसकी opening nostril और ये nasal cavity, ओके उसके बीच का पार्टीशन था मिसिथमोइड कार्टिलेज, इसके नेजल चैम्बर के तीन पार्ट है ना, सबसे बाहर वाला पार्ट वेस्टिब्यूल, बीच वाला पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट, अंदर वाला पार्ट ऑल्फैक्टरी पार्ट है और या सेंसरी चैम्बर है। उसके बाद ये फारिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज जहां से फूड भी पास होता है, एयर भी पास होती है, उसके भी तीन पार्ट थे नेसोफारिंग्स, ओरोफारिंग्स एंड लैरिंगोफारिंग्स, जिसके लैटरल साइड पे टॉन्सिल्स होते हैं, कुछ लोगों के टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जिकली उसे रिमूव भी करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स, ये पार्ट जो साउंड बॉक्स है, इसका फंक्शन साउंड प्रोड्यूस करना भी है, और इसका फंक्शन है कि फूड को विंड पाइप में एंटर होने से रोका जाए। अगर एक्सीडेंटली, जैसे कभी खाना खाते टाइम इंसान बात कर रहा है तो एक्सीडेंटली इट हैपन कि फूड पार्टिकल में एंटर इनटू द विंड पाइप, जिसके वजह से ना कफिंग, सडन कफिंग एक्शन के वजह से, जिसे ठसका लगना कहते हैं, उस फूड पार्टिकल को निकालने का मैकेनिज्म किया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में फूड पार्टिकल एंटर नहीं होता है। व्हेन वी स्वैलो द फूड, जब तक खाना मुंह में है वो एपिग्लॉटिस जो है ना वो खुला रहेगा, लेकिन जब हम खाने को निकलेंगे तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर बंद हो जाएगा। उसके बाद ट्रकिया विंड पाइप को कहते हैं, उसकी जो ब्रांच है ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस की ब्रांच सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद अल्वियोलाई, ये सब मैंने आपको बताया, लंग्स के बारे में बताया, लंग्स के ऊपर कवरिंग का सिग्निफिकेंस बताया, और उसके बाद डायफ्राम के बारे में। सो दिस ऑल अबाउट द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो इस चैप्टर की जान है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि हाउ डू वी एक्सचेंज द गैस, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हवा अंदर कैसे जाती है, हवा लंग्स में से ब्लड में क्यों जाती है, ब्लड से टिश्यूज में क्यों जाती है, CO2 कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बाहर आता है, दिस ऑल थिंग विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक मैंने आपको समझा दिया, इसके अलग अलग पार्ट मैंने बता दिए, नेक्स्ट टाइम विल सी द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।